आज ये एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने इत्थे बुलाई है, जिस दे विच बिना मजब मेलत हर धर्म के जो आगू ने अहदेदार ने वो इत्थे पुजे ने। ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस उस एक मदभागी घटना जो त्राल दे अंदर हुई है, एक नौजवान वीर जिसका नाम सिमरनजीत सिंह सी, उसनू कुछ व्यक्तियों ने गोली मार के शहीद कर दिता है, जिसका किसी किस्म का कोई कसूर नहीं सी। जे कसूर सी ते केवल इतना कि साड़े स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, साड़े गवर्नर साहब की जो हदायत सी पंचायती इलैक्शन, उस दे विच उस दे वड्डे भरा ने शमूलियत की। वह सरपंच दे इलैक्शन लड़ रहा सी, उसके घर पहले भी कई तरह दीयां धमकियां दित्तियां गईयां, फिर उसके घर एक ब्लास्ट भी करवाया गया और फिर उसनू अज गोली मार के मार दिता गया। असी इस घटना की निखेधी करते हाँ और जिन्हां व्यक्तियों ने इस किस्म का काम किया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज़ को साबित करती है कि वो व्यक्ति जिन्होंने ये गोली मारी है वो किसी भी धर्म के नहीं हो सकते, क्योंकि सारे धर्म के जो इत्थे पुंछ दे विच अंदर ये सारे धर्मों के लोग इकट्ठे ने और सारे ने इस घटना की निखेधी की है। मैं सातन धर्म सभा जिला पुंछ की ओर से इस घटना की घोर निंदा करता हूँ कि वहाँ पे जो घटना घटी, एक सिख बंधु को शहीद किया गया। सरकार को चाहिए कि जहाँ जहाँ पे भी माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है उसकी हिफाजत करे और कश्मीर के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उनकी तरफ ध्यान दे। कोई भी आदमी हो वो इसको एक काबिल मज़म्मत अमल समझता है और हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और ये सिलसिला जो है रुकना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़े क्राइसिस में जा रहे हैं और ख़ास तौर से मैं गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि वो इस मसले में जो हमारे सिख भाइयों को एक सदमा पहुँचा है, हम जहाँ इनके साथ पूरी तरह खड़े हैं और इनके दुख दर्द में शरीक। ये एक जो त्राल में जो हमारा एक सिख अजीज बच्चा जो था वो गोलियों का शिकार हो गया और वो मारा गया। मैं हैरान हूँ कि मैं तो बासित ह्यूमन राइट्स चेयरमैन के नाते भी ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, मानव जाति अधिकारों का उल्लंघन होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, इंसानी हकूक की पामाली होती है, पुंछ के लोग बिला लिहाज मज़मून मिलत सामने आते हैं और ये उसकी चीज़ की मजम्मत करते हैं। देखे इंसानियत का कत्ल हो रहा है, वो किसी ने कहा है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से यूं कहने लगा भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। आज इंसानियत जो है वो तड़प रही है, पनप रही है और इंसान ने वैश्य रूप धारण कर लिया है, भेड़िए का रूप धारण कर लिया है। इस चीज़ के लिए ये लोग पूछ के एक मैं कहता हूँ एक ऐसी हमें विरसे में एक चीज़ मिली है कि हमें इत्तेफाक है, इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, हम इकट्ठे सामने आ